गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 4.2। बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट कर दिया था। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे सही से। जैसे क्वेश्चन अगर 3 नंबर्स आर इन अ रेशियो, तीन हमारे पास नंबर है जो रेशियो में गिवन है, एक तो 2:3 और 5:5, तीन हमारे पास नंबर है। और आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर क्यूब इज, इनके जो इन्हें हम अगर सम करेंगे तो उनका क्यूब क्या बनेगा हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 0। फाइंड द हमें नंबर, वो हमें नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले जब भी रेशियो गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर दिया हमने इसको x टाइप में हमने क्या कर दिया, ऐसे लेट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि ये हमने लेट कर दिया कि एक तो हमारे पास हो गया हमारे पास 2x और यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या हो गया 5x। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि सम ऑफ दिज रेशियो, ठीक है, इनका रेशियो का हमें क्या बताना है, मतलब इनका सम ऑफ देयर क्यूब, क्यूब की जो वैल्यू सम है। तो हम सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसको x लेट कर लिया था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे 2x का क्यूब ले लिया, फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पे 3x का क्यूब ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया 5x का क्यूब, और इक्वल टू में, क्योंकि इसमें सम बोल रखा था, सम इस नंबर का। ठीक है, अब देखो 2x का क्यूब जब हम करेंगे तो हम 2x का क्यूब कैसे करेंगे बेटे, तो सबसे पहले हम जैसे हम लिखेंगे किस टाइप्स में लिखते हैं, हम जैसे 2 into 2 into 2, तो इसके साथ x रहेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 8x का क्यूब, ये बात ध्यान रखना, 8x का क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर ऐसे ही जब हम 3 का करेंगे, मतलब इस वाले 3 का जब हम करेंगे, ये वाला 3 जो हमारे पास, इस वाले 3 का जब करेंगे तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27x का क्यूब। ठीक है, ऐसे हम जब 4 का करेंगे, ये 4 का करेंगे, एक्चुअली बेटा ये 4 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, बाय मिस्टेक से ये आपको ये 5 रहेगा, ये यहाँ पे 5 करना है। ठीक, ये 5 है, अब 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब में ये 125 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और यहाँ पे ये आ गया हमारा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस सबको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 160 आ रहा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इसे हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके डिवाइड में लिया है। ठीक है, तो डिवाइड में 0 से 0 चला जाएगा, इसमें कितने टाइम में चला जाएगा, इसका 216 टाइम में चला जाएगा, और फिर इसका जब हम इस साइड क्यूब लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यह क्यूब है, तो इस साइड जब आएगा हमारे पास क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 6 आएगा, फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटे, यहाँ पे 5 कर लेना, बाय मिस्टेक से 4 लिखा गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 6 है, तो हमने 6 यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक, और x की वैल्यू यहाँ पे इसमें पहले पुट करेंगे, सबसे पहले इसमें हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पुट किया, जैसे हम पुट करते हैं देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे इस हमने x की वैल्यू हमने यहाँ से 6 उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ से हमने 3x लिया, 3x ये रहा, 3x यहाँ पे कर लिया, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 18 हो गया। ऐसे यहाँ पे 5x में 6 की वैल्यू पुट कर दिया तो 30 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला नंबर आ गया, और ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर ये आ गया, तीसरा नंबर हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, एक ही मेथड हमें करना है। ठीक है, दूसरा मेथड हम यूज नहीं करेंगे इसमें, मतलब जो उनसे हमारे दूसरा मेथड है वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए आए हैं, तो विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी और 4 में भी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो विदाउट हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 35937 है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा 3 से कितने टाइम में, तो इतने टाइम में गया, फिर इस तरह फिर हमने देखा कि ये वाला नंबर कितने टाइम में जा रहा है, तो ये वाला नंबर भी हमारे पास 3 टाइम में ही जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम में चला गया, फिर ये देखा हमने 3 से फिर दोबारा जा रहा है, फिर हमने ये वाला नंबर जो 11 से जा रहा है, फिर 11 के बाद हमें पता है कि 11 का यही ये हमारे पास 3, 1, 3, 3, 1 जो 11 का क्यूब होता है, तो हमें 11 टाइम में ये 121 चला जाएगा और फिर ये 1 चला जाएगा। तो इसका क्यूब जो हमें जनरली क्या होगा, हमने क्यूब यहाँ पे 3-3 का पेयर बना लिया। ठीक है, अब पेयर बनाने के बाद एक इसमें से ले लिया और यहाँ पे 33 हमारा आंसर आ गया। ऐसी जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊँ बेटे,
तो क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर जो विदाउट, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट नहीं करना है क्योंकि ये विदाउट फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर हम बाय डायरेक्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे नंबर है और इस नंबर को बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हम नंबर को देखेंगे किससे हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा कि ये नंबर जो सबसे पहले ये टू से चला जाएगा, ठीक है। तो हमने टू से डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो नंबर आया, ये हमारे पास नंबर आ गया कुछ ये, ठीक है। और फिर ये वाला नंबर को हमने फिर दोबारा से देखा कि ये टू से दोबारा से डिवाइड हो रहा है, तो कितने टाइम में जा रहा है, 3966। फिर हमने इसे टू से डिवाइड किया तो 19683 गया। फिर हमने देखा कि ये थ्री जो लास्ट में है तो टू से जाएगा नहीं, तो हम थ्री से लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास 6561 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसे थ्री से गया तो 6187 आ गया। फिर हम यहाँ से देखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये किससे जा रहा है, ये थ्री से जा रहा है, ठीक है। तो जब हम थ्री से जा रहे हैं तो कितने टाइम में जा रहा है, 729 जा रहा है। फिर उसके बाद थ्री से हमने किया तो 243 गया। फिर हमने थ्री से किया तो 81, और थ्री से करेंगे तो 27, और थ्री से करेंगे तो 9, और थ्री से करेंगे तो 1 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्यूब निकालना है, तो हमें पता है कि क्यूब निकालने के हम क्या करते हैं, तीन तीन का पेयर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन का ये पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद तीन का ये पेयर बन गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तीन तीन का पेयर बन गया, और ये तीन का पेयर बन गया, और एक नीचे तीन का पेयर बन गया, ठीक है। तो हमारे पास थ्री का पेयर जो है कितने टाइम बन रहा है, थ्री टाइम बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास टू का पेयर जो है एक टाइम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, थ्री का पेयर को हमने डायरेक्टली मैंने बाहर निकाल लिया, टू के पेयर को मैंने बाहर निकाल लिया, थ्री का निकाल लिया, और इसमें से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो इसको मैंने आपको थर्ड पार्ट भी करा दिया है, ठीक है, अगले पेज पे। और जो है और भी सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है आपका कहाँ कैसे रहेगा, होमवर्क से रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है होमवर्क से करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, तो आपको ये देख लेना बेटा, ये ऐसी होगा,